दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय दुग्गल सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांटा साहिब। पांटा साहिब में वन विभाग ने केदारपुरबा बहराल रेंज में अवैध खनन करने पर 6 ट्रक जेसीबी और 1 ट्रैक्टर को जब्त किया है, साथ ही 7 लाख जुर्माना भी वसूला है। वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि केदारपुर रेंज में अवैध खनन हो रहा है, जिसके बाद वन विभाग ने एक टीम भेजकर कार्रवाई की। डीएफओ कुणाल ने बताया कि वन विभाग को सूचना मिली थी कि बहराल व केदारपुर में अवैध खनन किया जा रहा है, जिसके बाद विभाग ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि आगे भी वन विभाग अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांटा साहिब से धीरज चोपड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से उभरता नाम दुग्गल करियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांटा साहिब जो अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन चुका है। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित आर के दुग्गल के कुशल मार्गदर्शन में स्कूल निरंतर नए आयाम स्थापित कर रहा है। स्कूल के कोऑर्डिनेटर नरेश शर्मा बताते हैं कि स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ विद्यार्थियों को जेईई, नीट, एनडीए, एनटीएससी जैसी विभिन्न कम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी तैयार किया जाता है। हर वर्ष आयोजित होने वाली साइंस इंग्लिश ओलंपियाड में भी भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाती है। शिक्षा के साथ साथ खेलकूद में भी विद्यार्थी जौहर दिखा रहे हैं। सूर्याकरण भारद्वाज राष्ट्रीय स्तर पर योगा गेम्स में हिमाचल का प्रतिनिधित्व किया। वहीं स्कूल के विद्यार्थी स्कूल, जोन, जिला व राज्य स्तर पर आयोजित विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में नाम कमा रहे हैं। इसके अलावा स्कूल में चित्रकला, रंगोली, मेहंदी, वाद विवाद, साइंस क्विज प्रतियोगिताएं करवाई जाती है। जमा 2 कक्षा में 33 में से 6 तथा 10वीं में 23 में से 8 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। पिछले सत्र में जमा 2 का उच्चतम अंक 96% व 10वीं में 95.4% रहा। स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास व बेहतर भविष्य के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। आगामी सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। Our is a famous school of science and commerce, and still it is in its infancy stage. And in the infancy stage, we have achieved many laurels, or we can say many milestones, like outstanding results of plus 2 and 10th. Nearly 9 students got more than 90% in 10th, and 7 students got more than 90% in plus 2. Suryakaran attended national yoga, and many students got distinction in science olympiad. Staff is the backbone of a school, and I am proud of my staff. They are doing their best, and they have adopted 4 levels of teaching, that is knowledge, understanding, application and skill. And the results are very good, very nice, and they are successful in making a strong image of our school in the society. Thank you.